अजयकडून एक महत्त्वाची सूचना करण्यात आली. जरी पहिल्याच्या ओव्हर मध्ये जरी हा चेंडू नक्कीच हरवला किंवा कुठे गेला तरी सुद्धा जुना चेंडू पुन्हा एकदा आपल्यापर्यंत येईल ही अजयकडून सूचना करण्यात येते. पहिले षटक करताण्यासाठी पुन्हा एकदा ज्ञानेश्वर सज्ज झाले. तर स्ट्राईक एंडला आहेत गणेश मनेरा, नॉन स्ट्राईक एंडला नारायण पाटील. ऑल सेट 40+ डॉक्टर डाकी आहेत नॉन स्ट्राईक एंडला. पहिला शेंडू अरे बॅटनं अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता गणेश मनेरा यांचा. ज्ञानेश्वर आहेत गोलंदाजी मार्क वरती. 40+ मॅच आपण मैदानावरती पाहतोय. वाघबिलचा संघ प्रथम फलंदाजी करताना इथून दिसतोय. आखो टप्प्याचा चेंडू आहे, शॉर्ट ऑन पूल केलाय स्पेलिंग रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक त्याच्या डोक्यावर चेंडू चाललाय, पार झालाय, सवकारही आलाय या दुसऱ्या चेंडूवरती सवकार, चार धावा. सौकार आपण पाहिलाय डॉक्टर डके आहेत नॉन स्ट्राईक एंडला. तर गणेश मनेरा स्ट्राईक एंडला सज्ज झालेत. गणेश मनेरांच्या यांच्या बॅटमध्ये फटका निघाला, बराच वर गेला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली 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 आणि इथून लगानवाला सीन घडलाय का? बिलकुल बिलकुल तोच सीन घडलाय, लगानवाला सीन घडलाय. बॉबी आज आमच्या बरोबर व्यासपीठावरती आहेत आणि त्यांच्याकडून 3 षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक गणेश मनेरा यांच्यासाठी. ऑफ टाईमच्या बाहेरचा चेंडू अप्रतिमरित्या तडकवला, चेंडू त्या सीमा शपार, धावा मिळतील 4, खणखणीत चौकार. चौकार गणेश मनेरा यांच्या बॅटमन आलाय. बघा झाले धावल कवरती 14-14. फुलटॉस बॉल, चेंडूला ड्राईव्ह केले, चेंडूला वन साइडला मिड विकेटच्या रिझन मध्ये चेंडूला खेळण्याचा पर्यंत फील केला जाईल. दुसऱ्या बाजूचा प्रयत्न होतोय रनिंग मिड विकेट. बघा तुम्ही खेळाडूमध्ये गणेश मनेरा आहे, दुसऱ्या बाजूला डॉक्टर डाकी आहेत आणि या दोन्ही खेळाडूमध्ये चांगली रनिंग मिळणाऱ्या विकेट सुद्धा आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे, शंभर ते चेंडूचा खेळ राहिला आहे. धावल्कावरती 16-16. गोलंदाजी मार्क वरती ज्ञानेश्वर आपण पाहू शकता. या वेळेला गोलंदाजी करत असताना गणेश मनेरा आक्रमक बॅटर, उठापटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅट वरती आलेला, बॅटची कड घेतोय आणि मिस्टर स्टोक या हो तुकाराम सर यष्टी रक्षक सोडला जाईल. उत्तम ठाकूर ज्यांनी जीवनदान दिले गणेश मंदिरांना आणि ते स्वतःकडे ठेवतील स्ट्राईक. पंचेचाळीसचे 2 त्यानंतर 40 असं कॉम्बिनेशन राहील 40+30 कारण 3 षटकांचा सामना आहे आणि त्याकरता असोसिएशनने काही नियम बनवलेले आहेत. तुकाराम सर तुम्हाला काही नवीन नाही आहे परंतु ज्या पद्धतीने आपण बघितलं तर मैदानावरती गणेश मंदिराची बॅट ठरते नशिबाची 7 मिळाले आणि पहिल्या षटकामध्ये 19 धाबा आलेले आहेत आणि त्या फ्लाइंग स्टार्टची गरज होती. खास करून या टीमला वाघबिलच्या संघाला फ्लाइंग स्टार्टची गरज होती. ते फ्लाइंग स्टार्टही आलाय, एक आक्रमक सुरुवात झाले त्याच्यामध्ये 2 सहकार आले, 1 षटकार आपण व्हायलाय आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला एक जीवनदानही लाभले, एक कॅच सुटलाय पाठीमागे विकेट किपरा एंडला आणि त्याचाही फायदा होता नया गणेश मनेरा यांना होईल की काय. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी मिलिंद पाटील सज्ज झाले आता बॉलिंग मार्क वरती. पहिल्या षटकामध्ये 17 आल्यात, 2 षटकांचा खेळ अजून शिल्लक आहेत, अपेक्षा 30 आहे की इथून ते 40-50 पर्यंत प्रवास करायचा आहे. अकोटाचा चेंडू होता, चेंडूला खेळ कबरच्या डोक्यावर क्षेत्ररक्षक, दोन्ही क्षेत्ररक्षक त्या सांगत होते कारण बरेच वेळा काय होतं की एक तेरी आहे की मेरी असा खेळ चालतोय पण आता ही मेरी आहे, ही मेरी आहे, हा मॅच का कॅच माझा आहे हीच लढाई चालू होती.
बॉबी यांच्याकडून आणखीन एक बक्षीस आहे, खास करून मिलिंदसाठी. त्यांनी जर 3 विकेट घेतल्या, हॅटट्रिक पूर्ण केली तर 1000 रुपयाचा पारितोषिक असणार आहे. गणेश मदिरा यांच्यासाठी देखील पारितोषिक आहे, परंतु त्याला षटकार ठोठावे लागतील लगातार 3. तर 3 विकेटसाठी मिलिंद यांच्यासाठी देखील बॉबी यांच्याकडून पारितोषिक आहे 1000 रुपयाचं. ना तेरी ना मेरी, बीच मैदान पर अगर देखो तो बिल्कुल गेंद जो है दोनों के बीच गिरी है और कोई नुकसान नहीं हुआ है. स्कोर की बात करते रन संख्या फिलहाल टोटल की बात करते 19-19. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार. मिलिंद इस ओवर के अगली गेंद छोटी गेंद थी, स्क्वायर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी तैनात बाउंड्री लाइन पर. क्या गेंद को रोक पाएंगे? बिल्कुल गेंद को रोक पाएंगे. दो रन लेने का अवसर, तीसरे के बारे में मन बना रहे हैं और दो रन मुकम्मल. तीसरे के बारे में यार मन बना लिया था, तीन रन मुकम्मल किया है. तीन रन मुकम्मल, तीन रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है. रन संख्या 22. और देखिए फील्डिंग तो करण सर इतनी अच्छी नहीं हो रही और उसका फायदा बिल्कुल इस वक्त मिलता था. आज टीम वाकबिल 40 प्लस की टीम मैदान के अंदर है और प्रमुख बल्लेबाज उनके जो प्रारंभिक बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. ऑल साइड पर गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है. डीप में गेंद जाते भी एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी है. दो रन लेने का अवसर है, विकेट के बीच अच्छी दौड़. तीसरे के बारे में मन बना लिया है, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश बात नहीं बन रही लगातार. तो करम सर ये 40 प्लस के खिलाड़ी जिन्होंने 6 रन बनाए हैं और भाग कर ये 6 रन बनाए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि. बिल्कुल आणि यामध्ये ज्या पद्धतीने 6 धावा पडून पूर्ण केल्या त्या स्टॅमिना सुद्धा आहे, शारीरिक तंदुरुस्ती सुद्धा आणि 40 प्लसचा हा खेळच त्यासाठी आला की प्रत्येकाने आपली शारीरिक तंदुरुस्ती राखावी याच कारणासह 40 प्लस क्रिकेट आले म्हणजे प्रत्येक वेळा. गणेश मनेरा यांच्या 3 षटकारांसाठी इथे आता आमचे समालोचक मित्र शेजाद शेख यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक. बॉबीकडून या ठिकाणी आपण बघितलं तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. षटकातला पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा पाहूया. ऑन साइड ला कडक शॉट, चेंडू सीमारेषा फोडते, 4 धावर गाठत चौकार. गणेश मनेरा यांच्या बॅट मधन एक दणदणीत खडखडी चौकार. आठ धावा देतो मित्र हा चौकार गणेश मनेरा यांच्या बॅटमन. थोडस फ्लाइट डिलिव्हरी होते पण काही इशारा होता, व्हाइट बॉलचा इशारा तिथून झालाय. धापलकर धावा जाऊन पोहोचल्या त्या 4-30 वरती जाऊन पोहोचलाय हा संघ आणि इथून दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. दुसऱ्या षटकातील 5वा चेंडू पुढे सरसाव करण्याचा प्रयत्न होता, बॅटचे थोडेसे कडे लागले, चेंडू पाठीमागे निघून चाललाय. पाठलाग केला जातोय, तिथे दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतोय. दुसरी धाव देखील पूर्ण केले, काय रनिंग बिटवीन द विकेट आहे दोन्ही खेळाडूमध्ये. गणेश मनेरा दुसऱ्या बाजूला, डॉक्टर डकिया नाफा पाहतोय. आतापर्यंत जर बघितलं या षटकामध्ये प्रशांतजी तर जवळपास 10 धावा अशा आहेत ज्या पडून पूर्ण केल्यात. 2 वेळा 3-3, 2 वेळा 2-2 अशा 10 धावा पडून पूर्ण केल्यात. बिलकुल बहुत बढिया खेळ मैदान के अंदर, अच्छी रनिंग बिंदु विकेट. टप्पा खाने के बाद उछलता, टप ऑफ द बॉल चले गए. गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है और गेंद को क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल इस वक्त रोक लिया, फुटबॉल खेल रहे हैं. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए खिलाड़ी 40 प्लस के खिलाड़ी तो करम सर है. अगर आप 10-12 रन भाग कर पूरे कर रहे हैं और 2 ओवर का मैच, मतलब 3 ओवर का मैच है और दूसरा ओवर प्रगति पर है, तो ये फिटनेस बहुत अच्छा है गणेश मनेरा और डॉक्टर डाकी इनका, यही बताते हुए दोनों खिलाड़ी. 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या फिलहाल 34-34, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन गणेश मनेरा का बहुत ज्यादा है. एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुप्तगु जारी रहेगी. गणेश मरेरा यांच्याकडे आले. तिसरे षटकातील पहिला चेंडू कुठपर्यंत चेंडू होता, कट करण्याचा प्रयत्न होता. पॉइंट मध्ये चेंडू गेला, जोपर्यंत फील्ड केला जाईल एका धावेचा इथून समावेश होतो. एका धावर समाधान मानावं लागते कारण आतापर्यंत एका 10-12 धावा या जोडीने आतापर्यंत जर पाहिल्या तर जवळपास एक धावपळकरती एक धाव पूर्ण केली. धावा 35-35 वरती जाऊन पोहोचलेत.
रॉयल मराठा शेंडोबा कोटणी प्लस दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे. रॉयल मराठा शेंडोबा कोटणी प्लस खास सर बडवली दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती आहे. खारीगाव खारीगाव कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे. फिला लगर देखिए तो प्रेशर गेंदबाज के ऊपर है. चंद्रशेखर छोटी गेंद पर प्रहार, गेंद बिल्कुल हाथ में और इस बार बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन. गणेश बनेरा की पारी समाप्त आउट. एक आक्रमक अशी इनिंग खेळून गणेश मनेरा इथून बाद झाले. धावणाऱ्या धावलकावरती आपण बघतो 35 वरती इथून पोहोचले. 30 धावांची एक चांगली इनिंग गणेश मनेरा यांनी नक्कीच साकारले. आक्रमक इनिंग त्याच्यामध्ये एक आपण षटकार पाहिला, 3 चौकाराचा समावेश त्या इनिंग मध्ये होता. एक सुंदर असा खेळ गणेश मनेरा यांनी दाखवलाय. इथून 2.3 षटकांचा खेळ आतापर्यंत झालाय. धावा धावलकावरती 35-35. 2.3 षटकांचा खेळ झालाय. स्ट्राइक एंडला सजवायला 3 चेंडूंचा खेळ राहिलाय. धावा धावलकावरती 35-35 वरती पोहोचलाय संघ. कोलोटा पाते चेंडू होता, लव फुलटा चेंडू होता, ड्राईव्ह केला चेंडू, ऑन साईडला फ्लिक केला चेंडू, जबरदस्त फील्ड केला जाईल. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होता, 2 धावा या चेंडूवरती नंदू पाटील पूर्ण करतात. या 2 धावांनी धावपळक जाऊन पोहोचला होता. 37-37 वरती जाऊन पोहोचला. सामना सुरू आहे वाघविल 40+ वर्सेस ओमला 40+ या 2 संघा दरम्यान. शेवटच्या 2 चेंडूचा खेळ राहिलाय या इनिंग्स मधला. इथून खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू चालाय, जबरदस्त फील्ड केला जाईल चेंडू. 1 धावे चेंडू शेवटचा बॉल आहे. शेवटचा चेंडूचा खेळ आता राहिलाय शिल्लक. धावा आहे धावलकावरती 38-38 शेवटच्या या इनिंग्स मधला शेवटचा चेंडू. पाठीमागे गेला, थोडीशी जागा बनवण्याचा प्रयत्न. पॉइंट डिझाईन मध्ये चेंडूला खेळ. 1 धावी या चेंडूवरती पूर्ण केली जाते. 1 धाव्यावरती समाधान मानावे लागतंय. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांचा धावा केल्यात वाघविल 40+ या संघाने. 39 धावा 40 57 समोर असाय. कसं पार केले ते पाहणार आहोत. तोपर्यंत टॉसच्या दिशेने जाऊया. इथे असतील प्रशांतजी आदवडे. थँक्यू बत्तुकरम सर. टॉस केला जातो, आग्री अशी मागणी झाली आणि कोळी आलंय. तर इथे कासरगोडी संघाचे कॅप्टन सुशांत मुकादम टॉस जिंकला. काय निर्णय घेणार आहेत? पहिला आम्ही फिल्डिंग घेऊ. विनिंग स्ट्रीक वरती आता समोरच्या संघाने पहिला सामना जिंकला अगदी आरामामध्ये. खूप छान कामगिरी केली, 6 विजय प्राप्त केलेले आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. 4 षटकांचा सामना आहे. किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करू? कमीत कमी 10 रोखण्याचा प्रयत्न करू, कारण तर नाईट स्पर्धा आहे. आमचा बॉलिंग अटॅक चांगला आहे. कमीत कमी 10 देऊन आम्ही चेस करण्याचा प्रयत्न करू. इथे तुमच्या संघामध्ये एखादा बदल या मॅच मध्ये की जो आता टीम मैदानामध्ये खेळते तीच टीम मैदानामध्ये असेल? टीम मीटिंग घेऊ आणि तेव्हा ठरवू आम्ही. तुम्ही जर टॉस जिंकला असेल तर काय निर्णय घेतला? आम्ही बॅटिंग करणार होतो. बॅटिंग तर करायची, किती धावा इथे फायटिंग टोटल होईल? कारण आता दिवसभरामध्ये 6 मॅच कासरगोडीने जिंकले. दिवसभरामध्ये आता रात्रीचा एक मॅच जर एकूण बघितलं तर किती धावा जास्त जास्त करायला बघू, त्यांची विनिंग स्ट्रेक तोडायला बघू. बघू प्रयत्न तर खूप चांगला करू आम्ही, बाकी पुढचं बघू. स्पर्धेकडे कसं बघताय? ज्या पद्धतीने प्रकाश होत्या स्पर्धा 1,00,000 ते पारितोषिक आहे.
खूप मस्त स्पर्धा आहे, मजा येते इथे खेळायला. कासरवडी बोललं तर स्पर्धा बोलले तर सगळ्या मोठ्या मोठ्या स्पर्धा असतात आणि इथे येऊन खेळायला पण मजा येते. ऑर्गनायझर खूप चांगलं आहे, हेच नाही सगळे ऑर्गनायझेशन इकडे जे होतात सगळ्या चांगल्या असतात. तुम्हाला शुभेच्छा असतील खरीगाव, निश्चित मला बॅटिंग करायचे. सुशांत, एक प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे, 1.5 लाखाचं पारितोषिक यापूर्वी 40+ तुम्ही संधी दिली होती प्रत्येकाला, आता मात्र इथे एक गाव एक संकल्पना आहे आणि त्यांनाही संधी दिली होती, काय यामागे या ठिकाणी दृष्टिकोन होता आपला? दृष्टिकोन काय नव्हता आमचा, 40+ संघ शेंडोबा स्पोर्टिव्हने सांगितलं आम्हाला का तुम्ही ही स्पर्धा करू शकता का, तेव्हा आमची मीटिंग करून आम्ही ही स्पर्धा जवळजवळ दिवसभरामध्ये निश्चितच सातत्याने मॅच सुशांत देखील खेळले, त्यामुळे तो ताण या ठिकाणी दिसतो आहे. दुसरी गोष्ट, लगातार मॅच म्हणजे सातत्याने मॅचेस देखील होत आहेत, त्यामुळे रात्रीची झोप पण नाहीये, या सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे थोडेसे शब्द या ठिकाणी सुचत नाही तर सुशांतला. परंतु सामन्याला देखील आपण या ठिकाणी सुरुवातीला दुसरी इनिंग देखील महत्वाची असेल. टॉस आपण बघितलं तर कासरवडीने जिंकला, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला. बॅक टू विकेट, बॅक टू कमेंट्री, मिस्टर तुकाराम मांगिला. धन्यवाद हुसेनजी. यानंतरचा सामना आपण या दोन संघादरम्यान पाहणार आहोत, ज्यांनी पहिल्या फेरीचा सामना आरामात जिंकलाय असे दोन संघ एकमेकांसमोर उभे टाकलेले असतात. तुर्ता जाऊया जिथून मास्टरचा मॅच होतोय, 40+ चा मॅच होतोय, जिथून वाघबिलच्या 40+ च्या संघाने उभारले आता 39 धावा आणि 40 धावांचं आव्हान समोर ठेवलेलं आहे. आणि ज्या वेळेला मॅचला सुरुवात होईल पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये थोडासा बदल होतील, आमचे सहाय्यक समालोचक पुन्हा एकदा सज्ज होतील, शेजाजी शेख यांचा आवाज आपल्यापर्यंत ऐकू येईल. थँक्यू सो मच तुकाराम सर. बिलकुल, इसके बाद का मुकाबला है शेंडोबा 40+ कासरवडवली. सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है अपनी टीम के साथ आपको ज्वाइंट होना है. अगर आप ब्रेक पे गए हैं तो ब्रेक आपका फिनिश हो चुका है क्योंकि इसके बाद आपकी ताबड़तोड़ फील्डिंग है. चलिए लक्ष्य की अगर बात करें, टारगेट की अगर बात करें तो लक्ष्य रखा गया है इस वक्त 40 रनों का. 40 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए. गजानन डाकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी बेहतरीन कोच हैं वाघबिल टीम के, और मुझे हो तो गजानन डाकी साहब जैसी. 40+ का फाइनल शोडाउन, फाइनल मैच, फाइनल मुकाबला, कौन बनेगा चैंपियन? एक तरफ ओला तो दूसरी तरफ हो वाघबिल. गेंदबाजी की कमान पर आए हैं स्मार्टी मंजे डॉक्टर डाकी. बल्लेबाजी की कमान पर देख सकते हैं यंग हंसता मुस्कुराता चेहरा, यस रमा ठाकुर. नाम तो सुना होगा रमा, रमा उमा, और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक हैंड पर चंद्रकांत नजर आते हुए. बिल्कुल दोनों ही डेंजर बैट्समैन है, अगर इनका बल्ला चला तो ये 40 रनों का आंकड़ा काफी छोटा नजर आएगा, लेकिन वाघबिल के पास बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है. शेष इंदुलकर भी आ चुके हैं. शेष वेलकम, आना मंच के ऊपर आइए, आपका भी हार्दिक स्वागत है. टेनिस क्रिकेट जगत का एक बड़ा सितारा इस वक्त इस ग्राउंड पर. पहली गेंद, दिस इज अ डेंजर डिलीवरी, नो डाउट डॉट डिलीवरी. डॉक्टर डाकी, बेहतरीन लाइन, बेहतरीन लेंथ, शानदार गेंदबाजी, अच्छा टप्पा और गेंद रही डॉट के रूप में. वॉटर डिलीवरी, वॉटर डिलीवरी, क्या बात है. डॉक्टर डाकी काफी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन रमा ठाकुर भी अच्छे फॉर्म में है. इस बार देखिए कैप ढूंढ निकाला है, गेंद को खेल दिया है, डी बैक्स रिकवर, बाउंड्री की तरफ. थोड़ा सा समय लिया, गैप ढूंढ निकाला, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री की तरफ गेंद को खेल दिया. राकेश और गणेश के बीच की जो दरार थी उसमें से गेंद फरार 4 रनों के लिए. ग्रेट एंड स्मार्टी चौका, शानदार स्ट्रोक. फील्डिंग में थोड़ा सा फेरबदल किया जा रहा है, डीप पॉइंट पर पोटी को भी तैनात किया गया है. डीप पॉइंट पर पोटी है, राकेश कवर्स पर है, डीप लॉन्ग ऑफ पर नंदू पाटिल, एक्स्ट्रा कवर पर गणेश मनेरा. इस तरीके से फील्डिंग को सेट किया है, उसी तरीके से लॉन्ग ऑन पर अगर देखें तो पंकज गोंदले, साथ ही साथ डीप काउ कॉर्नर रीजन में मनोज पाटिल, और स्क्वायर लेग रीजन में अगर देखें
न्यान, इस बार देखिए अपरकट किया था, गेंद को फिर से एक बार खेला है पॉइंट रीजन में, पोटी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग लेकिन दो रन रोकने में नाकाम रहे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, नो डाउट अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी उछाल, स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पर। बिल्कुल आज के दिन 40 प्लस का ये फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। इस बार भी हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में है और गेंद जाएगी, बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, रनों को दौड़कर पूरा करना है। गणेश मनेरा ने बाउंड्री रोकी है, कुछ वक्त के लिए गणेश मनेरा हवा में लहराते हुए नजर आए और ये 6 रनों को रोकने में कामयाबी मिली है। बिल्कुल जीवनदान मिलेगा जरूर यहां पर रमा को, यस रमा डेंजर विस्फोटक खिलाड़ी के रूप में इनकी पहचान। ये वही टीम है ओला जिसने अच्छे अच्छों को खोला, ओला वर्सेस वाकबिल के बीच चलता हुआ ये बिग फाइट मैच। रमा की अगर, रमा ठाकुर की अगर बात करें तो बिल्कुल अनिल कपूर को देख लीजिए और रमा मामा को देख लीजिए, सेम टू सेम। अगली गेंद करने का तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर, इस बार सफल हुए, जगह बनाई, गेंद को खेला है मिड विकेट जोन में, वहां पर खिलाड़ी मनोज मौजूद, अच्छी फील्डिंग, मेरे ख्याल से मैन मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन लेकिन दो रन दौड़कर पूरे किए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। वाकबिल की टीम की अगर बात करें तो आज हम देख सकते हैं वाकबिल में जो 40 प्लस के खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, ये वही खिलाड़ी हैं जो एक गांव एक संघ के लिए खेलते हैं। और बिल्कुल 40 प्लस में अगर देखा जाए तो तानाजी नाना जो कि तानाजी पाटिल हमारे नाना, नाना और पुत्र दोनों एक साथ परफॉर्मेंस करते हुए मनोज पाटिल, इस बार गेंद को खेला है और इस गेम को डीप लॉन्ग ऑन रीजन में कन्वर्ट किया है, सिंगल रन कंप्लीट, डबल रन की चाहत है लेकिन थ्रो थोड़ा सा पता ढूंढता हुआ, दूसरे रन के निकले, थ्रो देखे, ओ हो काफी खराब थ्रो, 3 रन यहां पर पूरे किए, नारायण नारायण नारायण। यस देखिए मैन ऑफ द मैच की जो टी शर्ट आपको प्रदान की गई है वो कंपल्सरी पहनकर आपको परिधान कर ही उतरना है ग्राउंड पर, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपको जो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और टी शर्ट, ट्रॉफी तो आपने नो डाउट अपने शोपीस के लिए तैयार कर ली है लेकिन टी शर्ट आपको पहनकर कंपल्सरी खेलना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल रनों की रन संख्या में नजर डालते हैं, एक ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन। अब आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, यस गेंदबाज नंदू पाटिल, क्या परफॉर्मेंस रहा नंदू पाटिल का परसों, कल के दिन की अगर बात करें तो कल के दिन इनकी टीम टॉप 4 में प्रवेश करती हुई नजर आई और नंदू पाटिल का काफी बड़ा रोल उस टीम के साथ में रहा, एक गांव एक संघ की टीम जो कि वाकबिल टीम काफी बड़ी टीम है और नंदू पाटिल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जरूर किया। बल्लेबाजी की कमान पर रमा की अगर बात करें तो वन हैंड बैटिंग कर रहे हैं, वन मैन आर्मी, वन मैन हीरो, वन मैन स्टार खिलाड़ी इस वक्त रमा ठाकुर ऑन स्ट्राइक, क्या बैटिंग की है, 13 रन अब तक के जोड़ लिए, शानदार बल्लेबाजी के दमखम पर। इस बार फील्डिंग गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला है गेंद को, गेंद आती हुई इस वक्त डीप रखाओ कॉर्नर रीजन में, डॉक्टर डाकी वहां पर मौजूद और बिल्कुल यहां पर एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है, सिंगल रन। अब जाकर चंद्रशेखर को स्ट्राइक मिली है, यानी 8वीं गेंद फेस करेंगे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर चंद्रशेखर ओलेकर, एक बड़ा नाम, टीम के कैप्टन है, टीम के सरदार है, 40 प्लस के ये सरपंच है, ये एक डेंजर खिलाड़ी है। आड़े बैट से खेलने की कोशिश, विद आउट रेंज में आकर क्योंकि गेंद काफी ज्यादा बाहर रही, अंपायर का इशारा आता हुआ, वाइट बॉल, देखिए शेंडुबा 40 प्लस रेडी रही है, आपकी फील्डिंग है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, शेंडुबा 40 प्लस टीम कैप्टन सुशांत मुकादम अपने सभी खिलाड़ियों को ज्वाइन कर ले प्लीज,
क्योंकि इसके बाद ताबड़तोड़ आपका मुकाबला है, ये चीज ध्यान में रखेगा। इस बार कट किया है, गेंद को खेला है कवर रीजन में, राकेश वहां पर मौजूद, थोड़ी सी खराब फील्डिंग और दो रन के लिए निकले। बिल्कुल जब 40 प्लस के फॉर्मेट में आते हैं ना ये खिलाड़ी यंगस्टर क्रिकेट से हटकर, उसके बाद गलतियां इनसे होती है जरूर। ये नियम है या फिर ये असर है, ये क्या कहा जाए, ये 40 प्लस है। चंद्रशेखर सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस बार भी हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में, मेघनाथ गोंडले गेंद के नीचे कैच हुआ, ड्रॉपो, बड़ा विकेट, बड़ा विकेट। अगर आपने ओपनर बैटर्स का विकेट नहीं लिया तो वन डाउन के खिलाड़ियों पर कैसे दबाव बनेगा। कैच छूटा है, अब देखना यह है कि क्या कैच छूटा है या फिर मैच छूटा है, क्योंकि चंद्रशेखर जैसे खिलाड़ी को आपने जीवन दान दिया है और चंद्रशेखर एक ऐसे खिलाड़ी है जो बिग हिट पर ज्यादा भरोसा करते हैं। नंदू पाटिल फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर, अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी नंदू की जरूर देखने मिली है। यह अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी, रमा ठाकुर की गेंद यहां पर, रमा ठाकुर की इनिंग की हुई है समाप्ति। गेंद विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती हुई लगता हुआ इस वक्त ओला 40 प्लस मास्टर को पहला झटका रमा ठाकुर के रूप में। बिल्कुल स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 17-18 रन। अब बची हुई 8 गेंदें शेष है और 22 रन, 8-22 का यह मुकाबला, 8 गेंदें 22 रन। न्यू बैटर आए हैं सतीश ठाकुर, एक बिग हिटर बैट्समैन नो डाउट, लेकिन रमा ने जो शुरुआत की है ना काबिले तारीफ। फिटनेस देखिए क्या बात है, अभी भी 24 साल के लगते हैं, क्या बात है। रामा हंसता मुस्कुराता चेहरा और एक अच्छे क्रिकेटर की पहचान यही होती है नो डाउट। कल के दिन आपने देखा एसोसिएशन के 40 प्लस मास्टर्स के चैंपियन बनी टीम कांबरपाड़ा और वडौली बी, कासर वडौली बी टीम जो कि रनर अप के रूप में रही और ए टीम ने भी बहुत चेहरा किया। इस बार देखिए व्हाट अ हिट, ओ हो हो, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। अब आएगा मैच में मजा, ये 6 के साथ मैच में जान फूंक दी है बल्लेबाज सतीश ठाकुर ने। इस बार देखिए गेंद को खेलना चाह रहे थे जरूर, लफ्ट करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ लेकिन गेंद को फील्ड किया गया जरूर, कीपर ने इस गेंद को फील्ड किया, मेघनाथ गोंडले ने इस गेंद को फील्ड किया, कोई ने नहीं, ओवर की हुई है समाप्ति। अब बची हुई 6 गेंदे और चैंपियन बनने के लिए बनाने होंगे टीम ओला को 16 रन। इस वक्त न्यान पाडेल, न्यान के हाथों में गेंद है, ऑप्शन में काफी सारे गेंदबाज थे जिस तरीके से देखा जा सकता है। गणेश मेनेरा भी लास्ट ओवर कर सकते थे, उसी तरीके से मेघनाथ गरत भी, मेघनाथ गोंडले साहब भी कर सकते थे, पंकज जैसे गेंदबाज हैं, नारायण पाटिल यस वो भी गेंदबाजी कर सकते हैं, मनोज भी गेंदबाजी कर सकते हैं, राकेश भी, और स्पेशली अगर लास्ट ओवर पोटी भाई करते तो बात अलग होती। चलिए 6 गेंदें बची है, जीत के लिए 16 रनों की जरूरत, 6 बॉल 16 रन। वेरी फर्स्ट बॉल फॉलो थ्रू में स्टॉप किया है, कोई रन नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में। बिल्कुल काफी सारे विकल्प थे टीम जरूर वाग्बिल 40 प्लस के पास, जिस तरीके से तानाजी पाटिल की अगर बात करें, नाना भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एक परफेक्ट ऑलराउंडर प्लेयर है और प्लस हैवीवेट चैंपियनशिप के भी खिलाड़ी है। इस बार फुल टॉस गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया है, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क, षटकार 6 रन।
चलिए बॉल, मैच बॉल प्लीज ग्राउंड में भेजना है, प्लीज बी फास्ट। क्या मैच है, क्या मैच है, अब चार गेंदे 10 रन, 4-10, क्या होगा, वाकबिल बनेगी चैंपियन या फिर टीम ओला, दोनों ही टीमें आमने सामने। बिल्कुल ओला की बैटिंग लाइनअप काफी लंबी है, विश्वास मुकादम जैसे अभी भी बैटर बाकी है, और स्पेशली बलवा, क्या बात है कैप्टन। यस, अगली गेंद लेकर तैयार होंगे, फिर से एक बार मैन, एक बड़ा हिट जरूर देखने मिला है, 4 गेंदे 10 रन, इस बार ऑन द राइज खेला है, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन रीजन में, मनोज पाटिल गेंद के नीचे, सिंगल रन कंप्लीट किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ, 3 गेंदे 9 रन, शिंदोबा 40+ कासर वरौली टीम रेडी रही है, मिस्टर गोलू अपनी टीम को रेडी रखे प्लीज। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज न्यान पाटिल सामना करने के लिए तैयार, सतीश ठाकुर, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद जाती हुई डीप बैक को छोर लेग रीजन में, और ये गेंद कन्वर्ट हुई है जरूर 4 रनों के लिए। ओहो, अब टेंशन, अब बड़ा वाला टेंशन। अच्छा, 2 गेंदे बची हुई है, अभी भी 2 गेंदे आना शेष, 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष, और जीत के लिए 5 रनों की जरूरत है, 2 गेंदे 5 रन, 5 रन की दरकार, एक तरफ ओला तो दूसरी तरफ वाकबेल, ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस बॉल पर सबकी निगाहें, इस ओवर की ये बॉल बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैच कभी भी पलट सकता है, अगर इस बॉल पर डॉट डिलीवरी आई तो फिर लास्ट बॉल में कंपल्सरी 6 रन, अगर इस बॉल पे एक आधा बड़ा हिट आया तो फिर 1 रन या फिर 2 रन या फिर मैच समाप्त, क्या होगा क्या नहीं देखते हैं, एक तरफ ओला 40+ तो दूसरी तरफ टीम वाकबेल, नैन पाटिल सामना करने के लिए तैयार होंगे इनकी गेंद का इस वक्त सतीश ठाकुर, क्या बैटिंग की है सतीश ने, मैच में लाके खड़ा कर दिया है, फील्डिंग में थोड़ा सा जमावट यहां पर की जा रही है, और बिल्कुल हम देख सकते हैं डीप बैकवर्ड्स कर ले, एक खिलाड़ी डीप का कॉर्नर, डीप लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, एक डीप मिड ऑन पर खिलाड़ी, वाइडिंग मिड विकेट, यस इस तरीके से 4 खिलाड़ियों को मिड विकेट रीजन में तैनात किया गया है, उसी तरीके से एक शॉर्ट मिड विकेट, ऑफ साइड की अगर बात करें तो एक थर्डमैन पर खिलाड़ी तैनात, एक डीप पॉइंट, एक डीप एक्स रिकवर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, फील्डिंग पूरी तरीके से डीप में तैनात है, 2 गेंदे 4 रन 4 रन, 2 गेंदे, इस बार ये गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, सतीश ठाकुर ने इस मैच को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है, और चैंपियन टीम 40+ बनी है, ओला कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन।